क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी हैं इन्होंने ट्वीट किया था कि जो भी रोहिंग्यास दिल्ली कैंप में रह रहे हैं दे विल बी शिफ्टेड टू फ्लैट्स इन दिस कंटेक्स एच ने ओवर रूल किया विध स्ट्रग डिनाइल ठीक है अब रोहिंग्यास के बारे में अगर हम जाने तो रोहिंग्यास कौन है दे आर एथनिक ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन म्यांमार और कहा रहते हैं ज्यादातर वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ रखाइन राइट अगर भाषा की बात करें तो ये ये बोलते हैं बंगाली जो कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज है म्यांमार में वो कौन सी है बर्मीज है ठीक है और यूनाइटेड नेशन ने इनको डिस्क्राइब किया था वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड ठीक आज की हमारी अगली हेडलाइन है जियो पॉलिटिक्स ऑफ फोर्थ ताइवान क्राइसिस ये अवेलेबल है पेज नंबर सिक्स पे रिलेटेड टू पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट अ बैकग्राउंड ऑफ चाइना ताइवान इशू करंट टेंशन इंप्लीकेशन ऑफ द राइजिंग टेंशन फॉर इंडिया एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो सारे पॉइंट्स को हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया है और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन दिस मेरी पार्टनरशिप इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस ये अवेलेबल है पेज नंबर सिक्स पे और रिलेटेड पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस आर्टिकल वी अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है एंड व्हाट लाइज अहेड तो इंडिया यूएस रिलेशंस को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ठीक आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है डाटा अपॉर्चुनिटी एट जी ट्वेंटी इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर सेवन और ये रिलेटेड है पेपर थ्री इंटरनल सिक्योरिटी से गवर्नेंस में भी आ सकता है पेपर टू में और ये जी ट्वेंटी इन्वॉल्व है तो ये पेपर टू में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आ सकता है राइट right? तो इसमें हमें क्या जानना इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इज टू रेगुलेट द डाटा हाउ कैन इंडिया नेगोशिएट डाटा वेन इट अज्यूम्स लीडरशिप ऑफ जी ट्वेंटी राइट तो एज वी नो की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है डाटा की ये रैपिडली इवॉल्व कर रही है क्यों क्योंकि जो लीडिंग एमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमीज हैं लाइक यूरोपियन यूनियन

टू थाउजेंड जो कि इंडिकेट करता है स्टेट सीक एंड वांट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द डाटा ठीक है अब जी का क्या रोल आता है इसमें जी uh, का ट्रैक रिकॉर्ड है एज अ अपेक्स फोरम टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज गिव्स इट लेजिटिमेसी एंड हैविंग द टॉप इकोनॉमिक्स मेक्स इट एन अप्रोप्रिएट फॉरम टू डिस्कस डाटा ठीक है जो जी है इट डजेंट क्रिएट बाइंडिंग रूल्स बट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू कैटेलाइज एंड इंजेक्ट न्यू थिंकिंग अराउंड क्रिटिकल करंट इश्यूज ठीक

अब पॉजिटिव्स क्या हैं जो गवर्नमेंट हाईलाइट करती है पॉजिटिव्स क्या है? के साथ काम करने से? Uh, मिलती है क्यों क्योंकि इशूज हेल्थ एजुकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एक्सेट्रा ठीक है जितने भी है, ये नहीं कर पा रहे है जो भी हमारे ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं ठीक है सेवरल फैक्टर्स जो इस रिलेक्टेंस के कारण क्या है मेनली क्योंकि एक जो गवर्नमेंट का रूटीन है वो बहुत टफ है ठीक है लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और नीड एक्सट्रीम क्लिनिकल केयर इन प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स गोइंग अप द हायर ठीक है देयर फोर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था अमेंडमेंट टू चेंज रूल्स फॉर डेपुटेशन राइट बट इट इज डिबेटेबल वेदर स्टेट्स अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे ये चेंज पे अभी इट इज स्टिल डिबेटेबल ठीक है आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है व्हाट इज कॉजिंग आर्कटिक वार्मिंग अवेलेबल है ये पेज नंबर पे है और ये रिलेटेड है पेपर थ्री एनवायरमेंट सेक्शन से अब इस आर्टिकल में हमें क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक क्या होता है इसका कारण क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे ठीक है तो अगर हम कारण एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज है और वी कैन से ह्यूमन एक्टिविटीज है इन्होंने इंक्रीज किया है प्लेनेट्स एवरेज टेम्परेचर बाय वन वन डिग्री सेल्सियस कब से सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स ठीक है अगर हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो क्या होता है वट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन वाइल चेंजेस आर विटनेस अक्रॉस द प्लेनेट एनी चेंज इन द सर्फेस एयर टेम्परेचर एंड द नेट रेडिएशन बैलेंस टेन टू प्रोड्यूस लार्जर चेंजेस एट द नॉर्थ साउथ पोल्स इस फोन दे आर नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन ठीक है अब कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते हैं सबसे जो बड़ा कॉन्सिक्वेंस ग्रीन आइस जो शीट है यह मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड रेट ऑफ अक्यूमलेन ऑफ द सी आइस है दो सिंस 2000 ठीक है अब ग्रीन आइस का मेल्ट होना हमारे लिए क्यों चिंता का विषय है क्योंकि जो ग्रीन आइस शीट है इट होल्ड सेकंड हाईएस्ट इट होल्ड सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शीट आफ्टर अंटार्कटिका देअर फोर इट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द सी लेवल अगर आइस शीट अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है तो सी लेवल वुड राइज बाई सेवन टाइम्स विच इज कैपेबल ऑफ सब्ज्यूमिंग आईलैंड कंट्रीज एंड मेजर कोस्टल सिटीज विच इज कैपेबल ऑफ सबजूमिंग आईलैंड कंट्रीज एंड मेजर कोस्टल सिटीज ठीक है और इम्पैक्ट की बात करें अगर हम कॉन्सिक्वेंसिस की तो जो जो वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन इंपैक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग मरीन स्पीसीज एंड डिपेंडेंट स्पीसीज वार्मिंग जो है ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है इंसिडेंस ऑफ रेनफॉल और आर्कटिक एम्पलीफिकेशन इज कॉजिंग वाइड स्प्रेड स्टारवेशन एंड डेथ अमंग दर्कटिक फोना ठीक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज वोटर नॉट लुकिंग फॉर फ्रीबीज सुप्रीम कोर्ट ये अवेलेबल है पेज नंबर इलेवन पे रिलेटेड टू पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द रीसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंटेक्सट ऑफ फ्रीबीज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो फ्रीबीज है ये हमेशा आउटकम डिसाइड नहीं करते हैं इलेक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन क्रेडिट गारंटी प्लान एक्सपेंडेड टू एड हॉस्पिटेलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर यह अवेलेबल है पेज नंबर फोर्टीन पे और रिलेटेड है पेपर थ्री इकोनॉमी सेक्शन से तो इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है इमरजेंसी क्रेडिट लाइट गारंटी स्कीम के बारे में जानना है फीचर्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को हमने बहुत ही अच्छे से अपनी वेबसाइट पर कवर किया और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में अब ये क्यू न्यूज में था अभी क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एनहांसमेंट इन इन दिस स्कीम ऑफ फिफ्टी थाउजेंड करोड़ और उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है कब कहां तक पांच लाख करोड़ तक ठीक है जो जो ये एडिशनल अमाउंट है डिप्लाइड हुआ किसके लिए एंटरप्राइजेस इन हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर्स जो कि हिट हुए थे कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के द्वारा ठीक हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है ऑयल डिमांड टू राइस सेवन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओपेक ये अवेलेबल है पेज नंबर फोर्टीन पे और रिलेटेड है पेपर थ्री इकोनॉमी सेक्शन से इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है कि जो इंडिया की डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो क्या है और रीजंस क्या है ठीक है तो उससे पहले हम जानेंगे ओपेक के बारे में ओपेक क्या है उपेक है ओपेक ओपेक स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट हुआ था बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान कब नाइनटीन में और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ठीक है अब अगर हम इंडिया की डिमांड करें तो अकॉर्डिंग टू रिस डाटा ऑफ ओपेक इंडियाज डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट सचेस्ट पेट्रोल डीजल विल ग्रो बाय सेवन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है जो कि फास्टेस्ट स्पेस इन द वर्ल्ड है कैसे अगर हम कंपेरिजन करें तो अभी डिमांड है चाइना की कितनी है वन पॉइंट टू थ्री परसेंट ठीक है और जो यूएस की है वो कितनी है थ्री पॉइंट थ्री नाइन परसेंट और यूरोप की कितनी है फोर पॉइंट सिक्स टू परसेंट ठीक अभी क्यों डिमांड बढ़ी है इंडिया की डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया क्यों बढ़ी क्योंकि ये बढ़ी है क्योंकि हेल्थी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हमारी सेवन पॉइंट वन परसेंट से और कॉन्टीन्यूसली हम इकोनॉमी को रीओपन कर रहे हैं ठीक है और कोविड नाइन्टीन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है ठीक है और ट्रेड रिलेटेड जो बॉर्डर लाइन है उनको कम किया जा रहा है ठीक है जो कि सपोर्ट कर रहा है बोथ मोबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज सेंटर रिस्टोर्स फार्म लोन इंटरेस्ट सब्सिडी एस रेट राइज ये अवेलेबल है पेज नंबर फोर्टीन पे और रिलेटेड पेपर थ्री इकोनॉमी सेक्शन से इस आर्टिकल में हमें जाना है वाई हैज द गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू रिस्टोर इंटरेस्टेंशन ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन तो रिसेंटली सेंटर ने डिसाइड क्या किया है to restore the interest subvention on short term agricultural loans to 1.5% for all financial institutions including cooperative banks इंस्टीट्यूशन अब रैशनल क्या इसके पीछे दिया गया क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंक्रीज किया था रेपो रेट एंड देर फोर इंटरवेंशन वॉज नेसेसरी टू कीप द इंटरेस्ट रेट ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स एट सेवन परसेंट ठीक है और इसका फायदा क्या होगा इट विल इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्लो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इंश्योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड वेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विच विल इंश्योर एडिकेट एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन द रूरल इकोनॉमी तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ वंडरफुल डे अहेड